गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सो इस बार गणपति बप्पा को आप घर लेकर आए हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कुछ फीलिंग है, ये जानना चाहूंगी आप दोनों से। हम घर से घर लेकर आए हैं एक्चुअली, इस बार बाहर से नहीं लेकर आए, हाँ मतलब हम बालकनी से लेकर आए बिकॉज हमने इस बार गणेशा बालकनी में बनाया और बालकनी से हम अंदर घर लेकर आए। बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग बिकॉज वी हैव बीन कीपिंग गणेशा फॉर पिलेवालीज 40-45 आई थिंक देयर इज अ 46th ईयर 47 मुझे याद भी नहीं। बट दिस ईयर सो स्पेशल एंड लास्ट ईयर ऑल्सो स्पेशल बिकॉज हमने अपने हाथ से बनाया। लेकिन मेरे लिए ये स्पेशल क्यों है, बिकॉज मेरे जो बच्चे हैं वो हमसे कई गुना कई कदम आगे बढ़ चुके हैं, वो बिकॉज दे मेड दिस इको फ्रेंडली गणपति विद देयर ओन हैंड्स, दे वॉन्टेड टू मेक इट के हम गणेश आ रहे हम भी बनाएंगे, लास्ट ईयर आपने बनाया था इस बार हम बनाएंगे। सो आई थिंक इट्स सच ए ग्रेट, सही कहा था आपने, अच्छा ट्रेडिशन है सेट करने के लिए बच्चों के लिए, इधर हर साल हम गणपति बनाएंगे और ऐसे बैठाएंगे बिकॉज देन दे फील मोर इन्वॉल्व्ड, दे लुक फॉरवर्ड टू इट, ऐसे नहीं कि जो गणपति आ गया आरती करनी पूजा करनी, दे नो दैट ओके वी गेट टू मेक इट, वी आर इन्वॉल्व्ड, क्ले किड्स लव मेकिंग थिंग्स विद देयर हैंड्स, सो बच्चों के लिए इट्स अ ग्रेट वे टू इन्वॉल्व देम और ऐसे वैल्यूज उनके अंदर इंस्टिल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके दे फील कनेक्टेड टू मदर अर्थ, टू रूट्स, टू द कंट्री, टू यू नो, टू फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस। इको फ्रेंडली गणपति आपने घर पे बनाया है, कितना एंजॉय किए अपने बच्चों के साथ ये बनाते हुए, और अभी जो जर्नी है 10 दिन का, जब मतलब गणपति हमारे घर पे रहेंगे तो वो कितना एंजॉय करने वाले ये दोनों। अरे घर में जैसे हमारे घर में पहले 16 दिसंबर को एक मेहमान आई ओके तो इसी तरह ये भी 10 दिन के लिए आए तो मतलब पार्टी होगी बिकॉज सिर्फ अकेले नहीं देखो सनग्लासेस हाँ और एक्चुअली ये तो मोटरसाइकिल पे बैठने वाला था जैसे केवी का अगले साल मैं बनाऊंगा, अगले साल ही मोटरसाइकिल भी बनाऊंगा थोड़ा प्रोफेशनल बिकॉज़ लास्ट ईयर तो बाय गॉड बहुत प्यारा था रियली बिकॉज़ पहली बार था, लास्ट ईयर से थोड़ा बेटर हुआ ये, मतलब फिर भी अगले साल मैं प्रोफेशनल, मैं फिर मैं लोगों को नीचे एक पंडाल खोल दूंगा मैं और फिर लोग आप बुकिंग करेंगे मेरे गणपति की। गणपति बप्पा जब आने वाले रहते हैं बहुत ही ज़्यादा सब एक्साइटमेंट से वेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वही आपसे जानना चाहूँगी कि एक्साइटमेंट तो बहुत ही होगी पर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, गणपति बप्पा आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या कुछ पसंद आता है आप दोनों को जब गणपति बप्पा आते हैं? हाँ ये बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ जाती है इधर पर, यू नो ये वहाँ बैठे वैसे भी यू प्रे इन द मॉर्निंग, प्रे करके निकल जाते हैं बट यू हैव यू डू देन cut it up but yahan bitane it's a different feeling to actually sit and be in that space. कल नहीं आज सुबह 4 बजे मतलब हमने कल रात को दोनों मिलकर ये पूरा घर जो है हमने इधर उलट पुलट करके कहाँ बैठाएंगे क्या करेंगे, उधर बैठाएं इधर बैठाएं कहाँ बैठाएं कुछ आइडिया नहीं था, पर फाइनली हमने ये सोचा कि इधर अच्छा रहेगा तो रात को पूरी सेटिंग 2 बजे तक कर दी और अभी तक गणपति बना नहीं था तो मैंने तो मैं सुबह बना लूँगा, अभी सुबह क्या पता उठे नहीं उठे मतलब यू नो लेट उठे क्या हो, मतलब यार एक्चुअली गुड आइडिया 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होगा तो उस ब्रह्म मुहूर्त में वी विल स्टार्ट मेकिंग द गणेश, सो वी स्टार्टेड एट 4 o'clock और देखो गणेश की इच्छा 2 घंटे में बोले मैं रेडी लड़कियाँ लेती है 4-4 घंटे हमारे गणेश 2 घंटे में रेडी भाई मैं तो यही मांगूंगा खाली मेरे लिए नहीं ये पूरे विश्व के लिए हेल्थ गुड हेल्थ रियली दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एटलीस्ट अक्ल आए सबको कि हेल्थ को आप ग्रांटेड नहीं ले सकते अच्छा खाना वैल्यू क्या है रियली यू नो हम ऐसे समझने लगे कि हम थोड़ी मरेंगे जो बूढ़े हैं उनका टाइम आया नो किसी का भी टाइम आ जाएगा और एनीबॉडी कैन यू नो डोंट टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड हम भूल जाते हैं कि वी आर हियर फॉर जस्ट कुछ चंद सालों के लिए हम लोग और हम प्लान्स बनाते हैं 5 साल के प्लान्स 10 साल के 20 साल के ये करेंगे वो करेंगे कुछ समय का कुछ पता नहीं है कुछ पता नहीं है सो जस्ट वैल्यू योर हेल्थ और गणेश चतुर्थी के मौके पे ऑडियंस से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे या फिर पॉजिटिव मैसेज क्या कुछ देना चाहेंगे आप दोनों? अपील तो ये करना चाहूँगा कि अपील क्या करूँ मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो प्यार आप हमें देते आ रहे हैं बरकरार रहे ओके रोके मत इनफैक्ट और दुगना कीजिए बिकॉज वी जस्ट लव वी लव कि आपके थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू हम ऑडियंस तक पहुंच सके एंड दे
they get to know about us, they get to know about our lives, and it's so glad to be connected with them through you all. It feels really nice jab aap log jab log bolte hai ki through your feed we feel like we know you, we feel like you're, we are your family, ke hame logon ne apna liya jo hame jante bhi nahi hai, and that's such a lovely feeling that we're using our platform to do something good, to share something nice that people look forward to opening our feed and they feel happy. So thank you everyone for all the love, not just for us, baby ke liye, dono twins ke liye, sab ke liye. Thank you, thank you so much. Lovely to talking. Ganpati Bappa. Thank you.